சனாதானம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिहवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 200 रुपया कोई रखा हमको इस बात का समझे आप लोग लैंड इक्विजिशन ऑफिसर। अरे बजरंग बली को हम लैंड इक्विजिशन ऑफिसर बोलते हैं। कहीं भी अगर कोई झमेला है, जमीन में कब्जा करना है, रातों रात उसको खड़ा कर दो, वो भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी हो गया। 2024 के चुनाव आने से पहले नेताओं की बोल बदल गई है। आपने देखा था कि बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर क्या बोल गए, और अब फिर से झारखंड के नेता यानी जेएमएम के नेता एक बार फिर से हनुमान पर वार किया है, जिस पर बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा, देखें इस खबर में। विरोध हो रहा है, राम भक्त शिव भक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि मुझे डिटेल तो जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार को कम से कम धार्मिक भावनाओं पर उनको ख्याल रखनी चाहिए। अगर धार्मिक भावनाओं पर ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर उससे समाज में एक असंतोष पैदा होता है, और वो असंतोष आगे चल करके समाज के लिए वो कष्ट का कारण भी बनता है। इसलिए सरकार को जब भी कोई धार्मिक मामलों पर निर्णय ले सरकार, तो फिर समाज के उन धार्मिक कारणों का उनको ध्यान रखना चाहिए। और हेमलाल मुरली बोले कुछ, अब देखिए वो क्या बोलते हैं। आपके साथ रहे इसलिए? नहीं, हमारे साथ तो सब लोग रहते हैं, हमका किसी के साथ थोड़े, हम कोई अलग रहते हैं। भू अर्जन पदाधिकारी कहा बजरंग बली को, हमने कहा कि भाई आप उनके ऊपर, उनकी सोच वही है तो वैसे ही बोलेंगे। जो लोग जैसे चश्मा जो पहनते हैं तो दुनिया वैसे ही दिखता है लोगों को, इसमें कहाँ दो मत। चश्मा जांच कराना चाहिए उनको। अरे चश्मा, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जितना जमीन को जेएमएम वालों ने दखल किया है या कर रहा है इस समय या उनके संरक्षण में, इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। हमें तो सवेरे ही आज लोग आया था आवेदन लेकर के, वो भी आदिवासी लोग आया था, उड़ाव लोग आए सवेरे 9 बजे। अब बोला कि सर हमारी ज़मीन पर हेमंत सोरेन कब्जा करवा रहे हैं, कोई मेरे बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हाईकोर्ट में शायद मामला भी चलता है। तो ये स्थिति है, तो हमने कहा कि जैसे लोग चश्मा पहनता है उनको दुनिया वैसे ही देखता है। तो हेमलाल जी जेएमएम में है तो जेएमएम वाले तो जमीन ही कब्जा करते हैं, तो उनको सब तरफ ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। तो जेएमएम के नेता हेमलाल मुर्मू के सवालों का जवाब देते हुए बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा, आपने सुना। ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा जब तक देश में और प्रदेश में 2024 का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक नेताओं की कड़वे बोल लगातार आपको सुनने को मिलेगा। अपने सहयोगी मुकेश के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।